जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि दिल्ली सरकार ने जितने भी दिल्ली में ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं और काली पीली टैक्सी चालक हैं, उन लोगों के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये 5 हज़ार रुपये सिर्फ एक बार ही मिलेंगे। तो ऐसे में बहुत से लोगों को ये तो पता है कि 5 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन उन लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है। वो लोग उन लोगों को नहीं पता होता है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारा कुछ प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे तरीकों को फॉलो करना है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारे तरीकों को फॉलो कर लेते हो, ये वीडियो देख लेते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को भी 5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि आप लोगों को इस चैनल पर जो भी नई जानकारी आएगी वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को उसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वहां पर क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी ब्राउज़र से सर्च करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहां पर सर्च करना है delhi.gov.in, तो आप लोग डायरेक्ट इसी वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रेट 5000। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, PSV बैज नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना है, उसके बाद नीचे आप लोगों को PSV बैज नंबर डाल देना है, और दोस्तों डालने के बाद आप लोगों को नीचे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों के सामने एक छोटा सा और फॉर्म आएगा, वहाँ पर आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप लोग को यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड लिख के आ रहा है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बैक आ जाना है। एक बार जैसे ही आप लोग बैक करेंगे तो ऊपर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीवेंस रेड्रेसल फॉर्म, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेट नेम डालना है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना है, PSV बैज नंबर डाल देना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी यहाँ पर डाल देनी है। यानी कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर फॉर्म भरते समय वही आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को अगर वेबसाइट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप लोगों को रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख के आ रहा है तो आप लोग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहां पर देख सकते हैं। और आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप लोगों को ब्रीफ ऑफ कंप्लेंट, इस बॉक्स में आप लोगों को मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर में उस के बारे में लिख देना है जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट करोगे तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसे में आप लोगों के मन में अभी भी एक डाउट होगा कि ये डिटेल तो मैंने फ़िल कर दी है लेकिन यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर फ़िल नहीं किया है, तो पैसे किस खाते में आएंगे या और कैसे आएंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो भी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दोगे और जो आपका आधार कार्ड जिस बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो आप लोगों के रुपए नहीं आएंगे। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका आधार कार्ड कई बैंकों से लिंक होता है, तो ऐसे में आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक से आखिरी बार लिंक हुआ होगा उसी बैंक में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों का ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट 5 हज़ार रुपये आ जाएंगे।
और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी एक SMS आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।